wrestling. Karena pukul mana boleh tembok? Preparation apa yang mana? Hah? Cuman ke preparation pada tu aliyah itu kan? Preparation by dehydrated tone person. Karena आज अपन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखना है एट्रियम थैलामाइड थैलामाइड रिएक्शन ठीक है। कैप्रियम थैलामाइड द्वारा कैसे हम लोग एमिन फॉर्मेशन करते हैं ये देख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं थैलामाइड ले लें
थैलामाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक केवेस के साथ हम लोगों ने कराया, वो क्वार्टर मॉलिक्यूल बाहर थे मिला क्या है, पोटेशियम थैलामाइड। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने किसके साथ कराया था, क्लोरो मेथेन के साथ, है ना। अगर यहां रिएक्शन करा दी जाए ठीक है क्लोरो बेंजाइल के साथ किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, है ना, तो अपने को क्या मिलेगा, यहां से ये केसीएल तो बाहर हो गए, केसीएल बाहर होगा अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा इसके पेपर, है ना, तो केसीएल के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, अपने को क्या मिलेगा फिर यहां पे, यन में जाए क्या थैलामाइड, ये क्या है यन में जाए थैलामाइड, यन में जाए थैलामाइड को एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाए, जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा यहां पे, थैलिक एसिड, ठीक है, और क्या मिल जाएगा आपसे, प्राइमरी एमीन, ठीक है, यानी अपने को यहां पर क्या देखने मिलता है, यानी इस विधि द्वारा हम अगला जो टॉपिक है रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ठीक है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के रिएक्शन द्वारा एमीन बनाना, ठीक है, तो साइनाइड क्या होगा, आइसोसाइनाइड क्या होगी, जब आर के साथ डायरेक्टली हैंड जुड़ा हो तो आइसो पोजीशन होगी, हो साइनाइड क्या होगा जब सी जुड़ा हो, ठीक है, तो अगर मैं इस तो इसमें एक रूल छोटा सा लिखते हैं हम लोग, रूल क्या होता है, इस विधि के द्वारा हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन का फॉर्मेशन सिर्फ करते हैं, ठीक है, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन का फॉर्मेशन करते हैं, टर्शरी एमाइन जो होता है टर्शरी एमाइन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है, टर्शरी एमाइन इस केस में नहीं बन पाता है। अगर मैं सेकेंडरी एमाइन की बात करूं तो एक एल्काइल ग्रुप सीधा यन से क्या होगा जुड़ा होगा, फॉर्मेशन कैसे करेंगे एग्जांपल देकर करा रहा हूं, जैसे R बॉन्ड क्या है साइनाइड है, C ट्रिपल बॉन्ड क्या है यन है, एल्काइल साइनाइड है, एल्काइल साइनाइड को ट्रीट कर दें किसके साथ, हाँ अपने को बना एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करवा दें, मैंने बताया कि H2 या निकल सरफेस की उपस्थिति में या फिर एक दूसरा कैटलिस्ट ले सकते हैं, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAl4 की उपस्थिति में इसका रिडक्शन करवा दें तो ये क्या बन जाता है, R बॉन्ड CH2 और ये बॉन्ड NH2, ठीक है, और ये तो एमिन होगा, ये 1 डिग्री एमिन होगा कि नहीं होगा, एमिन कैसा होगा 1 डिग्री एमिन होगा। अगर मैं आइसोसाइनाइड की बात करूं R बॉन्ड N
ट्रिपल बॉन्ड से, और ये ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड, सी होगा ट्रिपल बॉन्ड, कहाँ कार्बन पे नाइट्रोजन प्लस का चार्ज लगा दीजिए तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस का चार्ज आएगा। और ये रिएक्शन अगर कराई जाए एस टू एन आई की प्रेजेंस में आ एल आई एल गैस कोर की प्रेजेंस में, तो जो जो प्रोडक्ट निकलेगा आर बॉन्ड एन, ठीक है एन एच, और ये बॉन्ड है कौन सा सी एस थ्री, यानी ये जो एक ग्रुप है मेथाइल ग्रुप है, यानी जो डायरेक्टली एन से क्या है सीधा जुड़ा हुआ है, से सीधा क्या है जुड़ा हुआ है, और ये कितने डिग्री यमीन है, टू डिग्री यमीन है। तो जब टू डिग्री यमीन का फॉर्मेशन करते हैं तो एक अल्काइल ग्रुप सीधा सीधा यहां से क्या होगा जुड़ा होगा, और इससे थ्री डिग्री यमीन का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। तो ये लास्ट क्या है, क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो आर बॉन्ड क्या होता है एनएच2 होंगे, यहां से दो ही हाइड्रोजन होंगे, किसका कराओ, या तो अमोनिया का कराओ तो हाइड्रोलाइसिस कराओगे ना, रिडक्शन थोड़ी कराओगे। मैंने क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड का या फिर आइसोसाइनाइड का क्या करने पर रिडक्शन करने पर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें तो एक दूसरे तरीके से आर बॉन्ड रिडक्शन करा दिया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर बॉन्ड एन, आर बॉन्ड एनएच, और ये बॉन्ड क्या सी एस थ्री। इस तरीके से भी इस रिएक्शन को सॉल्व किया जा सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, है ना, ये क्या होगा अपना टू डिग्री कन्वीन होगा। हर केस में आप देख रहे हैं एक एल्काइल ग्रुप सीधा किसके साथ जुड़ेगा, टू डिग्री एमएन के केस में एल्काइल ग्रुप सीधा नाइट्रोजन के साथ क्या होगा जुड़ेगा। आप नोट करके लिख दीजिए पहला पॉइंट, इसमें उसमें पहला पॉइंट लिखने इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा थ्री डिग्री एमिन नहीं बनाया जा सकता, इस विधि के द्वारा थ्री डिग्री एमिन नहीं बनाया जा सकता। दूसरा पॉइंट लिख दो, टू डिग्री एमिन के केस में एक एल्काइल ग्रुप सीधा नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, टू डिग्री केस में एक एल्काइल ग्रुप सीधा नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, टेंशन को लिख दो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ हेविन में सबसे पहली प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम लोग, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका भौतिक गुण, ठीक है। जैसे भौतिक गुण में सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख रहे हैं स्टेट की, कि इसका स्टेट क्या होता, अवस्था क्या होती है। तो यमीन जो होते हैं यमीन तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ये गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं, ये लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, और ये सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। जो हल्के मॉलिक्यूलर मास वाले जो एमीन है, ठीक है, हल्के मॉलिक्यूलर मास वाले एमीन जो होते हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। और जो हाईएस्ट हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वाले मास वाले जो एमीन होते हैं वो पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है, वो पाए जाते हैं किस स्टेट में,
सॉलिड स्टेट में, और जो मिडिल वाले आते हैं ये लिक्विड में भी पाए जाते हैं। यानी यमीन जो होता है ये तीनों अवस्थाओं में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव में भी पाए जाते हैं और गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो हल्के मॉलिक्यूलर मास वाले जो यमीन होंगे वो किस अवस्था में होंगे, गैसियस अवस्था में होंगे। जो हायर मास वाले होंगे किसमें होंगे, सॉलिड में, और जो मिडिल वाले होते हैं वो किसमें आएंगे, लिक्विड स्टेट में भी यमीन क्या होते हैं पाए जाते हैं। अगर मैं इनके ऑर्डर की बात करूं, गंध की अगर बात की जाए, अगर इनके गंध की बात की जाए तो जो गैसियस और लिक्विड स्टेट में होते हैं तीसरे गंध वाले होते हैं। अमोनिया की गंध आप जानते हैं, अमोनिकल गंध वाले होते हैं, तीसरे गंध वाले होते हैं। लेकिन जो सॉलिड स्टेट में होते हैं ये इनकी कोई गंध नहीं होती, ये ऑर्डरलेस होते हैं, ये गंधहीन होते हैं। ठीक है, तो इनकी अवस्था होगी इनकी स्मेल होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ऑफ डिग्रीज ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। दूसरा, दूसरा लिख लो, कम मास वाले ठोस अवस्था वाले यमीन गंधहीन होते हैं, ठोस अवस्था वाले यमीन गंधहीन होते हैं। अगर मैं इनके कलर की बात करूं तो जनरली जो एमीन होते हैं वो कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। एमीन जो होते हैं कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग इसके बाइंडिंग पॉइंट की। ठीक है, अगर मैं यमीन के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो यमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये अधिक होता है किसके, हाइड्रोकार्बन से। लगभग समान और उहार वाले हाइड्रोकार्बन ले लें और ये यमीन ले लें जिनका मॉलिक्यूलर मास लगभग क्या हो, समान हो। तो अगर मैं उनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करूं तो यमीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा हाइड्रोकार्बन से। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट यमीन जो होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये कम होता है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से और किससे, और एल्कोहल से। एल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। हाइड्रोकार्बन से इसके बॉइलिंग पॉइंट अधिक होने का रीजन क्या है ये समझते हैं। जैसे मैं एमीन की बात करूं तो जैसे एमीन में मैंने ले लिया आर बॉन्ड एन, ये बॉन्ड एच, ये बॉन्ड एच है ना, और यहां पर कोई दूसरा मैंने एमीन ले लिया एन, ये बॉन्ड एच, बॉन्ड एच एंड ऑल्सो बॉन्ड आर। तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है, बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के कारण की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, हाइड्रोकार्बन से अधिक हो जाती है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से कम क्यों होते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल की कंपेरिजन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में पाया जाने वाला ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होती है, अधिक होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कंपेरिजन टू किसके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है,
तो इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वे इनसे अधिक हो जाती है, लेकिन अमीन की बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से क्या हो जाती है, अधिक होती है। ठीक है, तो आप कॉपी कर लो। डिस्कस कर रहे हैं वो है अपना सॉलिड डिवाइस को सॉलिड। ठीक है, कि मतलब ये वाटर सॉल्युबल है या नहीं। तो अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी की, तो अगर ये आपके प्राइमरी अमीन है, ये आपके कौन से अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, और ये आपका कौन सा अमीन है, ये टर्शियरी है, इट इज अ प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन और ये टर्शियरी है। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन की अगर बात की जाए तो ये आर बॉन्ड है, बॉन्ड एच, ये बॉन्ड एच है। ठीक है, यहां पर बॉन्ड एन और ये बॉन्ड एच, यहां बॉन्ड एच, फिर ऑल्सो बॉन्ड आर, यहां पर भी बॉन्ड एन, बॉन्ड एच, ये बॉन्ड एच, बॉन्ड आर, है ना। ये तीनों के तीनों क्या है, अमीन है। एक अमीन, एक प्राइमरी अमीन की बात कर रहा हूं, एक प्राइमरी अमीन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 होते हैं, यानी इस प्रकार ये दो नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके दो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। लेकिन अगर बात करें सेकेंडरी अमीन की, तो सेकेंडरी अमीन आर बॉन्ड एन, ये बॉन्ड आर और ये बॉन्ड एच है, यहां बॉन्ड एन, ये बॉन्ड क्या है, आर है, यहां बॉन्ड आर और ये बॉन्ड एच, ये भी सेकेंडरी अमीन है, ये भी सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन में एक हाइड्रोजन सिर्फ एक नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, अगर मैं टर्शियरी अमीन की बात करूं, बॉन्ड एन, फिर बॉन्ड आर, यहां बॉन्ड आर, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, एन, फिर ऑल्सो बॉन्ड आर, ये बॉन्ड आर और यहां पर बॉन्ड आर, क्या इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा क्या, नहीं होगा, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे। इसलिए अगर मैं कंपेयर करूं सॉलिबिलिटी की प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन की, तो जो प्राइमरी अमीन होगा दो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मोर स्टेबल होगा इसके अपेक्षा, और ये इससे अधिक स्टेबल होगा। यदि सॉलिबिलिटी की बात करें तो यहाँ दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो प्राइमरी अमीन की जो सॉलिबिलिटी होती है ये अधिक होती है किससे, सेकेंडरी अमीन से, और सेकेंडरी अमीन की सॉलिबिलिटी किससे अधिक होती है, टर्शियरी अमीन की अमीन से। लेकिन जो टर्शियरी अमीन होता है ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता, टर्शियरी अमीन वाटर सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते। बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी की कंपेयर करें तो प्राइमरी अमीन में दो हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल होने के कारण ये मोर वाटर सॉल्युबल होगा किसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी अमीन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कॉपी कर लो।